तो जैसे कि आप लोगों ने पार्ट वन में देखा कि रेवा ने शिवा को एक चैलेंज दिया था रेस का, तभी हम देखते हैं कि वो दोनों रेस के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और दोनों अपनी तगड़ी वाली गाड़ियाँ लेकर रेस के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी उसका रेस शुरू हो जाता है और एक दूसरे को टक्कर देते हुए रेवा आगे निकल जाती है और ये रेस रेवा जीत जाती है। तभी हम देखते हैं कि शिवा और रेवा दोनों अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आते ही एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हमने रेस बहुत अच्छा किया। तभी रेवा उसे कहती है कि हाँ शिवा, तुम तो मेरी गाड़ी पे हंस रहे थे कि तुम्हारी क्या कटारा है, लेकिन ये देखो आज मैंने तुम्हें हरा दिया। तभी शिवा कहता है कि हाँ रेवा, कोई बात नहीं, इस दफ़ा तुम जीती हो लेकिन अगली दफ़ा मैं तुम्हें जीतने नहीं दूँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैड मैक्स उनकी बातें सुन रहा था और उनकी गाड़ियाँ देखकर उसके मन में कुछ लालच आ गया था। तभी वो चुपके से जाता है और वो रेवा की गाड़ी में बैठ जाता है और रेवा जैसे ही देखती है कि मेरी गाड़ी कोई ले गया, तभी इतने में मैड मैक्स वहाँ से चला जाता है और रेवा वहीं पर रोने लगती है। तभी शिवा उसे संभालते हुए कहता है कि रेवा तुम रो मत, मैं अभी जाता हूँ और मैड मैक्स से तुम्हारी गाड़ी लेकर आता हूँ। तो रेवा कहती है क्या सच में तुम मेरी गाड़ी ले आओगे शिवा? तभी शिवा कहता है हाँ रेवा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम बस इधर ही रहो, मैं भी गया और तुम्हारी गाड़ी लेकर आता हूँ। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या शिवा रेवा की गाड़ी वापस ले आएगा मैड मैक्स से, या शिवा भी अपने जान से हाथ धो बैठेगा? पार्ट टू कमेंट में लाजमी लिखे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।